अयोध्या के राम मंदिर में राम लला विराजमान हो गए हैं। सोमवार को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधिवत पूजा हुई और राम लला की अलौकिक प्रतिमा मंदिर में विराजमान हुई। इस मौके पर देश और दुनिया से हजारों राम भक्त अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर को बनवाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी अपनी क्षमता और आस्था के मुताबिक दान किया है। राम मंदिर के लिए कुल 3,200 करोड़ रुपए दान में मिला है। अंबानी परिवार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2.51 करोड़ रुपए का दान दिया। इस मौके पर मुकेश अंबानी के साथ पत्नी नीता, बेटी ईशा और दामाद आनंद पिरामिल, बेटे आकाश और अनंत, बहू श्लोका और जल्दी बहू होने वाली राधिका मर्चेंट भी मौजूद थीं। आइए जानते हैं कि किस कारोबारी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर कितना दान दिया। दावा किया जा रहा है कि अंबानी परिवार अब तक 10 करोड़ रुपए का दान कर चुका है। राम मंदिर के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड स्टार्स और साधु संतों ने भी दान किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन है जिसने सबसे बड़ा दान किया है? अगर आप सोच रहे हैं कि वो अंबानी, अडानी या फिर टाटा ग्रुप से जुड़ा कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर टाइकून है, तो आप गलत हैं। डायमंड बिजनेस से जुड़े दिलीप कुमार वी लाखी ने राम मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया। खबरों के अनुसार दिलीप कुमार ने मंदिर ट्रस्ट के नाम 101 किलो सोना दान किया। इस सोने का इस्तेमाल गर्भगृह के सोने के द्वारा स्तंभ आदि बनाने में किया गया। इस सोने की कीमत 70 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का दान किया। गोविंद भाई ढोलकिया डायमंड कंपनी श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं। गौतम अडानी की तरफ से राम मंदिर निर्माण के लिए कितना दान किया गया है, ये जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई। उन्होंने दान किया है इस बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर ने फॉर्च्यून ब्रांड के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रसाद तैयार किया। रिपोर्ट के अनुसार मोरारी बापू ने अधिकारियों को 16.3 करोड़ रुपए का दान किया। इसके अलावा राम मंदिर को दान देने मंदिरों की बात करें तो इनमें सबसे आगे पटना का महावीर मंदिर है। पटना के महावीर मंदिर ने राम मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का दान दिया है। फिलहाल आपने भी राम मंदिर के लिए दान दिया है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।